बॉस एक बार और सोच लेते। बॉस ये एक बार ये फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेते हैं। लेकिन ये करना तो होगा यार, एक साल हो गई सोचते सोचते, अगर ये हमने नहीं किया तो हमारी पहचान मिट जाएगी दुनिया से। एक बार सोच लो ये फैसला लेने से पहले, अपनी जान भी जा सकती है इसमें। क्या करे यार, करना होगा, हार के पीछे ही जीत होती है, करना तो होगा। कुछ भी हो, चाहे अपने कैसा नुकसान हो, जान भी जाए, लेकिन ये चीज करनी होगी। अपनी पहचान मिट जाएगी दुनिया से, अपन को कोई नहीं पहचानेगा अगर ये नहीं किया तो। हाँ बॉस तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहोगे वो करेंगे। करना तो होगा यार, चलो देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चलो। हाँ नो 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 मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी छोटी फैमिली है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे जानता है तू कौन हूं मैं, मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुझे। आप कौन हो, मुझे माफ कर दो। तू मुझे नहीं जानता, मैं हूं गुंडा, अगर इन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो इनके खींच के परेंगे मुंडा। आपका गुंडा नाम किसने रखा? साले डायरेक्टर ने इस वीडियो में मेरा नाम गुंडा ही रखा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बॉस आप बताओ क्या करना है? मार दो। लाइफ खराब हो चुकी है और अपने चोरी का जो प्लान है ना, हाँ बॉस, वो कल अपने अड्डे पे करना, कल जरूर आ जाना, ठीक है? हाँ चॉकलेट लेकर आया। भाई साहब एक रुपए की चॉकलेट कितनी दी है? भैया एक रुपए की चार चॉकलेट दी है। अच्छा भाई साहब, तो चार चॉकलेट कितने की दी है? कल अड्डे पे आना, ठीक है? ओके बॉस। चुकना नहीं है, अभी मैं आता हूँ, रुक जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। क्यों, क्या हो गया? आवाज तो दिन ही खराब है, दिन मिन तो खराब रहते रहते यार, लेकिन अपन को खुद के दम पे दिन बनाने हैं, ठीक है? अपन को ऐसी चोरी करनी है आज तक किसी ने नहीं की होगी, और कैसी भी हालत में नहीं डरना, ठीक है? हाँ हाँ बॉस, नहीं डरना है, हाँ नहीं डरना है, हाँ हाँ नहीं डरना है, हाँ हाँ नहीं डरना है। अरे चुप करो, चुप सालो, फालतू का लग रहो, मेरे पैसे निकालो, भागो यहाँ से, ठीक है? सारी जैसे आपकी मर्जी। नहीं नहीं नहीं, मेरे पैसे क्यों निकाल रहे हो? साले मेरे पैसे ले गए, सब ले गए, इधर से ले गए, यहाँ से ले गए, सब जगह से ले गए। हमको बहुत बड़ी चोरी करनी है, डायमंड की चोरी करनी है, डायमंड की। बॉस ये चोरी तुम करना क्यों चाहते हो? क्या तो चोरी क्यों करना चाहता हूँ मैं? चोरी तो सुनो बॉस, जब मैं बचपन में बड़ा था, मुझे मेरे बाप के पैदा होने का बेसब्री से इंतजार था। हमने बचपन में बहुत दुख देखा है, तुमने क्या देखा होगा? रोज रोज घी से रोटी खाना, रोज रोज आईफोन चेंज करना, इतनी गरीबी तो फिर सहन नहीं करी होगी, इतनी गरीबी सहन करी हमने। रोज रोज अलग अलग भोजन खाना, रोज रोज महंगे महंगे कपड़े पहनना, परेशान थे हम हमारी गरीबी से। मर्सिडीज, फॉर्चुनर, लंबरगिनी, अलग अलग तो कार लगा दी थी मेरे परिवार वालों ने।
पॉकेट मनी, लाखों करोड़ों रुपए पॉकेट मनी लेते थे। रोज रोज कोल्ड ड्रिंक, अलग अलग ड्रिंक पीने से परेशान हो गए। ऐसी गरीबी देखी तुमने? बहुत दिनों से रुकी रोटी नहीं खाई, अलग अलग सब्जी बहुत महंगे महंगे, इतना गरीब था मैं। लैटरिन कौन कर गया? ये यहाँ पर लैटरिन कौन कर गया? और तुम्हें बता दूं, वो जो हीरा है, डायमंड है, वो एक सुंदर सी मूर्ति के हाथों में रखा है। तो बॉस वहां पे तो पहरेदारी भी बहुत खतरनाक होगी। सिक्योरिटी बहुत तेज है, इसलिए तो मैंने अपने एक और साथी को बुलाया है। वो कौन है बॉस? उसका नाम चिमचिम कांडी है, जातिर दिमाग है उसका। उचकंडा है थोड़ा सा, लेकिन दिमाग उसका बहुत चलता है। आता ही होगा यहाँ पर, अभी बुलाया है मैंने उसको। अरे वो आ भी गया। Nope. तो बोलो बॉस, मुझे कैसे याद किया? चिमचिम कांडी, तुम्हें एक चोरी करनी है। आपकी? अबे साले, पूरी बात सुन पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमें मिलके एक डायमंड चुराना है जो एक मूर्ति के हाथों में है, और वहां पर बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत बड़े विलेन है, उनके यहाँ पे ये चोरी करनी है अपन को। बहुत बड़ा रिस्क का काम है ये। ठीक है बॉस, ये तो अपन का बाएं हाथ का खेल है। एक बार अपने कान खोल के उनकी सिक्योरिटी के बारे में सुन लो, क्योंकि चोरी करनी पहरेदारी इतनी कड़ी होती है, इतनी कड़ी पहरेदारी होती है, बहुत खतरनाक। आज तक उनके चंगुल से कोई बचा नहीं है। जो भी उस डायमंड को चोरी करने के बारे में सोचता वापस नहीं आया। तो सुनो, उसके दो खतरनाक बॉडीगार्ड है, इतने खतरनाक बॉडीगार्ड है। एक है कालिया, उसकी इतनी मजबूत पकड़ है, अगर एक बार किसी चीज को पकड़ लेना तो ऊपर से भगवान आ जाए, ऊपर से भगवान उसकी पकड़ को नहीं छुड़वा सकता वो। उसका दूसरा बॉडीगार्ड है गोरे लाल, उसका इतना खतरनाक मुक्का है, एक बार अगर मुक्का पड़ेगा ना तो आदमी खत्म, लोहे को भी चकनाचूर कर दे उसका मुक्का, लोहे को भी। तो जो मेन गेट है वहां पर दो पहरेदार रहते हैं, हमेशा चौकन्नी निगाह रहकर, उसकी चौकन्नी निगाह रहती है, हमेशा आंखें खुली रहती है दो पहरेदारों की। समझ गए ना? अबे सालो खा सो रहे हो, प्लान सुनो पूरा। चाय बन गई? हाँ बिस्कुट, हाँ चाय बिस्कुट तुम्हें मिलाऊंगा। सालो थप्पड़ पड़ेगी अभी, चोरी करने नहीं जाना क्या? चलो बस चलो। हाँ चल, चोरी करने। बॉस, वो हवेली में चोर घुसा है बॉस। अच्छा? हाँ बॉस। कब? अभी। तुम पकड़ो उनको, जाते हैं वहां से। ठीक है बॉस। क्या करें तुम, जल्दी जाओ। जा रहा है।
और मैं कब का खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरी बैठने की कोई व्यवस्था करो जल्दी। ओके बॉस। ओके बॉस जाओ। लगता है साले चले गए। हाँ चले गए। पैरों से आए। अबे सालो वो मतलब नहीं है मेरा, तुम अंदर किस मकसद से आए बता मुझे। हम तुम्हें क्यों बताएं कि हम अंदर चोरी करने आए हैं? नहीं। मुझे ये बताओ तुम चोरी करके पैसों का करोगे क्या? हम चोरी करके गरीब लोगों को पैसा बांटना चाहते हैं। अच्छा गरीबों को बांटोगे, और गरीब है कौन? हम ही है गरीब और क्या। हाँ, सही बात है, हम चारों से गरीब हो ही कौन सकता है। पूरे नल्ले फुक्के पड़े हम तो जन्म से। तुम बिना सोचे समझे अंदर आ गए, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता हमसे? डर? वो भी हमें डर? जब हम हमारे बाप से नहीं डरते तो इसका ये मतलब नहीं कि हम तुमसे नहीं डरते। बहुत डरते हम तो। डर रहे हम आपसे, डरते हैं। फटी पड़ी हमारी तो बुरी तरह से। बहुत की खड़ा करो इनका। सॉरी 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 सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं है, इनको खड़ा करो इनको। सालो तुम्हारी औकादी का है जो तुम यहाँ पर आए? तुम एक नंबर के कीड़ो सुअर हो, तुम गधे हो गधे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मर के गधे हो, कमीने हो कमीने, बड़े भी तुम। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो हीरा है ना, वो हीरा तुम उसे चुरा ही नहीं सकते। साले औकाद में रह के बात करो, औकाद में। ज्यादा मत बोल मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा तू हाथ उठाएगा मत पे, तू ज्यादा मत बोल मेरा हाथ उठ जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, बताओ उसको हाथ कैसे उठाते हैं, जल्दी जाओ। क्या बोल रहा था तू? अब उठा हाथ। ठीक है ठीक है। साले तूने बॉस की कलर क्यों पकड़ रखी है? बॉस आप पड़ जाइए। साले हम दो और तू अकेला, तुझे हमसे डर नहीं लगता क्या? मैं तुमसे क्या, मैं किसी से नहीं डरता। डॉक्टर साहब आए। अरे बुलाओ इसे, मैंने कॉल किया था उनको, मुझे दो दिन से सर्दी जुकाम हो रहा है, डॉक्टर साहब को बुला के लाओ जल्दी। ठीक है बॉस। अरे आओ डॉक्टर साहब, बैठो। अच्छा ये दवाई गोली है डॉक्टर साहब, कैसे लेनी है दवाई गोली डॉक्टर साहब? पैसों से। साला तू मेरे से पैसे लेगा, गुंडा से पैसे लेगा, गुंडा से। साले तूने मुझे क्यों मारा? मैंने क्या किया? ये मारा। रुक रुक रुक, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ओ सॉरी बॉस, सॉरी बॉस। यार यहाँ से भागना है हमको किसी भी हालत में, ठीक है? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एयरटेल है। मेरे पास तो BSNL है। मेरे पास जियो है। अरे वो बात नहीं है, समझो सालो, मेरे पास एक प्लान है। अजी बॉस, मैंने तो आपको पैदल आते हुए देखा था। साले यहाँ से भागना है हमको, तीन तक गिनूंगा मैं, मेरे साथ में भाग लेना, ठीक है? अगर भागना है तो ठीक है, तो मैं तीन तक गिनने वाला हूँ, जैसे तीन गिनू भाग लेना, ठीक है? जी बॉस। तीन। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे मुझे नहीं, उनको पकड़ो उनको। ओके बॉस। बच गए, बच गए। बॉस बताओ क्या करना है? यार हीरा तो चोरी करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से तो चोरी नहीं कर पाएंगे। अब किसे अपना हुलिया बदल के चलते हैं, चोरी करने के लिए गेटअप चेंज कर लेते हैं। ठीक है अपना अपना गेटअप चेंज कर लो। ओके चलो। बॉस बॉस
वो सारे के सारे भाग गए। हाँ बॉस वो भाग गए। ऐसे कैसे भाग गए वो, तुम पकड़ नहीं पाए उनको? नहीं बॉस। आगे से ध्यान रखना अपनी बंगले पे, अगर कोई भी आ गया तो ध्यान रखना, आना नहीं चाहिए कोई। ठीक है बॉस। बॉस बॉस शेख साहब आया दुबई से। अच्छा शेख साहब, बुलाओ उनको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। बीबी जी, बीबी जी। अरे वो हमारी बॉस की पत्नी है। भाभी जी, भाभी जी। वेलकम शेख साहब, वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बताओ शेख साहब, कैसे आना हुआ आपका? हम आपसे मिलने आते, हमने आपका इधर बहुत तारीफ नहीं सुनी। बॉस ये कौन है बॉस? अमीज खबच्ची, कुत्ती खफिल्ली, बाप की मेहतारी, भाई की भेना, औरतों का घेना, तुम हमको नहीं जानती। हम ऐसे इलाके का करोड़पति अमीर आदमी होती, हम जहाँ कदम रखती वो जमीन करोड़ों में बिकती। हम इतना अमीर आदमी होती कि हम सोने का रोटी खाती। चिलकंडी उड़ी बाबा, हमारे शेख साहब इतना अमीर होती कि सोने का टट्टी करती। शेख साहब सोने की रोटी कैसे पचती होगी तुम्हारे पेट में? तुम इतना भी नहीं जानती कि अमीर आदमी की किडनी सोने की होती, तो रोटी क्या उसमें तो लोहा भी पच जाती। हेलो, ओ अभी शेख साहब से कहती। छोटा शेख साहब हमको बताती आप किससे बात करती, अभी फोन किसका आती? उड़ी बाबा, शेख साहब आपकी पत्नी अमेरिका के होटल में खाना खाती, उनको बोलती कि पूरा अमेरिका ही खरीद लेती, लेकिन हमको बार बार परेशान न करती। ओके ओके। वो भी बोलती कॉल लगा के कि हमको परेशान न करती, अमेरिका ही खरीद लेती। अरे लगता है शेख साहब तो बहुत अमीर आदमी, मुझे भी ऐसे लगता है। चिलखंडी की दोस्त टिलखंडी, तुम हमारे बारे में भी क्या जानती? हम इतना अमीर आदमी होती कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देखती, जैसे बुर्ज खलीफा, ताज महल और लाल किला होती। लगता ये बिल्डिंग सारी सारी शेख साहब की है। हाँ हाँ शेख साहब, देखी देखी देखी, हमने भी देखी। मैं तो सोच रहा शेख साहब की है। छिलखंडी और टिलखंडी की भाईली करगंडी, तुम हमको नहीं जानती हम कितना अमीर आदमी होती। इतना अमीर होती, इतना अमीर होती कि हमारे तो 10 के नोट में भी 10-10 जीरो होती। हम इतना अमीर आदमी होती कि तुमको भट्टी में शेक के बिना नमक डाली खा जाती। हमारा पूरा हमारा खानदान तुमको नोच नोच के खाती, हमसे इज्जत से बात करती, नहीं तो हम तुमको नंगा करके रोड पे घसीड़ती। शेख साहब आपसे राष्ट्रपति जी मिलना चाहती। उनसे बोलो कि हमारा गेट पे इंतजार करती, हम अभी इतना बिजी होती कि उनसे नहीं मिल पाती। ओ माय गॉड, आपका राष्ट्रपति जी गेट पर इंतजार कर रहे हैं? गुंडा जी ये तो कुछ नई बात होती, हम तो इतना अमीर होती, इतना अमीर होती कि हमारी पॉकेट मनी से हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन खरीद लेती। शेख साहब आप इतने अमीर हो के नाश्ता को कैसे झपूट रहे हो कुत्तों की तरह? हम नाश्ते को नहीं झपटी, हमको गुस्सा आती क्योंकि स्टील की थाली में हम कभी खाना नहीं खाती, हम उसी में खाना खाती जो सोने की थाली होती। स्टील की थाली हमारे सामने आज के बाद नहीं लाती, नहीं हमको गुस्सा आती। अरे शेख साहब ये सोने की थाली, इस पे रोज सोता हूं मैं। कोई बात नहीं होती, आज के बाद गलती नहीं करती। ठीक है गुंडा जी, आपसे एक प्रार्थना करती। हाँ बोलो शेख साहब, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको वो मूर्ति देखती जिस पे वो डायमंड लगा होती, आपसे यही प्रार्थना होती कि हमको वो मूर्ति बताती। ठीक है शेख साहब जी, चलिए आपको हम वो मूर्ति दिखाते हैं। हमने बहुत तारीफ सुना की आपके यहाँ पे डायमंड बहुत अच्छा होती। अल्लाह तो शेख साहब आपको नाश्ता कैसा लगा? बिल्कुल नाश्ता जैसा लगी। तो ये शेख साहब इस दुनिया का सबसे महंगा डायमंड। लंबा लगा दी भरा हमको, हम हमारी मम्मी हिम्मत दिलाती, लेकिन ये मूर्ति हमको बहुत डराती। ऐसा क्यों शेख साहब?
गुंडा जी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से नकेज की हमारी लार टपकती, गुंडा जी हम इसको छू सकती? बिल्कुल बिल्कुल छू सकते हो इसको। थैंक यू बुरी शकल की। माशाल्लाह कितना गजब हीरा होती, ऐसा हीरा हमारे देश में बिल्कुल न होती। ओ लगता है हमारा हेलीकॉप्टर आती। आप रुको से एग्जाम में देख के आता। हाँ जरूर जाती, क्योंकि वो हमारे को लेने आती। माशाल्लाह मेरा सोने का बिस्किट गिरती। खाए 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 खाए। अबे सालों को चोर थे चोर, ये राजू राकल है, चलो पकड़ते उनको। हाय गाइस, दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी सी कमी है क्योंकि कैमरा नहीं है, लेकिन कर रहे व्यवस्था, कैमरा भी आने वाला है। दोस्तों हमने बहुत मेहनत की है वीडियो में आने के लिए। ठीक है दोस्तों, बिहाइंड द सीन देख लो। ओके बाय। जल्दी बोलियो इतने ओए Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the street of lies, under the street of lies. Mashallah. तिलकंडी समझी? समझ गए पूरा प्लान। देख सुन सुन, जितनी कुदी मस्त करी नहीं ले जी। मुझे अभी चाहिए दोनों यार। धक्का दे, अरे।